हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल को, और ये मौर्योत्तर काल का मतलब है मौर्य के बाद के काल को। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दो प्रकार की स्थितियाँ बनी। जब एक बड़ा साम्राज्य समाप्त हो जाता है तो उसके बाद कई छोटे छोटे साम्राज्यों के उदय की परिस्थितियाँ बनती है, और उस दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ ब्राह्मण वंश जो है वो उभर करके सामने आए, जिसमें शुंग वंश, कन्नव वंश और दक्षिण में सातवाहन वंश जो है उभर करके सामने आते हैं। ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जब छोटे छोटे राज्य उदय होते हैं तो जो आक्रमणकारी होते हैं उसके लिए एक आमंत्रण की स्थिति बन जाती है। जब राजा कमजोर होता है तो उस पर आक्रमण करने की स्थिति मजबूत हो जाती है। ऐसे में इसी परिस्थिति में भारत पर कुछ विदेशी जो जातियां थी या विदेशी वंश थे उनके आक्रमण हुए और भारत में कुछ विदेशी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो मौर्योत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमण और विदेशी साम्राज्य की स्थापना को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसी की पृष्ठभूमि को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पहला पैराग्राफ मैंने लिखा है ये उसी से जुड़ा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, और इन छोटे छोटे राज्यों की परिस्थितियों में ही भारत में मध्य एशिया क्षेत्र से कुछ विदेशी आक्रमण हुए और लगभग चार विदेशी राज्य आकर के यहाँ पर स्थापित होने का प्रयास किया। तो इन्हीं चारों विदेशी राज्यों की स्थापना के क्रम में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, इन्हें आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो भारत में आए थे उन्हें हिंद यूनानी, इन्हें ग्रीक भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, इन्हें बैक्ट्रियाई भी कहा जाता है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे कि प्रश्न का उत्तर आपको ये सोच समझ के देना है। तो सबसे पहले भारत में विदेशी आक्रमणकारियों में हिंद यूनानी आए, उसके बाद आते हैं शक, उसके बाद आते हैं पहलव, और सबसे लास्ट में आते हैं कुषाण। इस प्रकार से ये क्रम जो है आपको याद रखना है, क्योंकि कई एग्जाम में आपको क्रम भी पूछ दिए जाते हैं कि भारत में आने वाले विदेशियों का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम है पहला हिंद यूनानी, दूसरा शक, तीसरा पहलव और चौथा कुषाण। ये चारों भारत में बारी बारी से आते हैं, लेकिन चारों विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख रूप में अगर कोई शासन स्थापित कर पाता है तो वो कुषाण थे। लेकिन इन चारों वंश से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखने होंगे, जो पीटी के लिहाज से आपके महत्वपूर्ण हैं। अगर बात करें मेंस के लिहाज से तो यहाँ से कुषाणों द्वारा प्रचलित गांधार कला एवं मथुरा कला जो है वो प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्योत्तर काल में भारत की पृष्ठभूमि की चर्चा करें, तो मेंस की दृष्टि से भी ये चैप्टर समझना एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। तो आइए हम लोग इसकी ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंद यूनानी की, जिन्हें हम लोग इंडो ग्रीक या ग्रीक या बैक्ट्रियाई नाम से भी जानते हैं। ये मध्य एशिया क्षेत्र से भारत की ओर प्रवेश करते हैं। भारत की ओर प्रवेश करने वाले में सबसे पहले जो हिंद यूनानी शासक था उसका नाम था डेमेट्रियस। याद रखिएगा, डेमेट्रियस वह प्रथम बैक्ट्रियाई या यूनानी शासक था हिंद यूनानियों में जिसने भारत पर आक्रमण किया। और चूंकि अगर आप भारत का मैप ध्यान में रखते हैं तो इस क्षेत्र में जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वर्तमान में, वो मैंने बताया था कि मौर्यों के समय वह भारत का अंग था। तो कोई भी आक्रमणकारी भारत में इसी क्षेत्र से प्रवेश करते थे। तो सबसे पहले डेमेट्रियस ने क्या किया कि भारत पर आक्रमण करते हुए अफगानिस्तान का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र जो पाकिस्तान तक विस्तृत था, और सिंध का क्षेत्र, इसको जीत लिया। और जीतने के बाद उसने एक अपना साम्राज्य जो है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थापित किया, और यहाँ से बैक्ट्रियाई का जो एक शासन व्यवस्था है वो भारत से जुड़ जाता है। धीरे धीरे भारत का संबंध भी यूनानियों के साथ, यानी हिंद यूनानियों के साथ बढ़ने लगता है। बात करते हैं तो चूंकि इस क्षेत्र में इनका शासन था तो इन्होंने अपनी राजधानी भी उसी क्षेत्र में साकल में स्थापित की। याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ उनकी राजधानी थी, तो साकल, जिसे आधुनिक रूप में सियालकोट के नाम से जाना जाता है। तो हिंद यूनानियों की राजधानी साकल थी, जिसे आधुनिक रूप में सियालकोट के रूप में जाना जाता है। हिंद यूनानियों में आक्रमणकारियों में जो सबसे प्रमुख शासक हुआ उसका नाम था मिनांडर। साथ ही साथ उसी मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शासनकाल लगभग 165 से 145 BC अर्थात ईसा पूर्व रहा है। मिनांडर के बारे में दो तीन चीज़ें जो आपको पहले भी मैंने बताई, मैंने पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसी मिनांडर को पराजित भी किया था।
तो मीनांडर इस हिंद यूनानी शासकों का सबसे प्रमुख शासक था। सत्ता स्थापित करने में सबसे पहला प्रयास डेमेट्रियस ने किया, लेकिन जब मीनांडर शासन करने आता है तो मीनांडर उस सत्ता को और मजबूत बनाता है। इस मजबूती के क्रम में वह भारतीय कला संस्कृति से प्रेरित होता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक बौद्ध दार्शनिक जिसका नाम है नागसेन। और मीनांडर नागसेन से बौद्ध संबंधी यानी बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछता है। इसके अलावा जीवन से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। नागसेन ने उसको सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। परिणाम स्वरूप मीनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और मीनांडर और नागसेन के बीच जो प्रश्न उत्तर की एक प्रमुख चर्चाएँ चली, जो एक लंबी चर्चा थी, उसे एक पुस्तक में संग्रहित किया गया, जिस पुस्तक को नाम दिया गया है मिलिंद पन्हो। यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक पुस्तक है जिसमें मिलिंद अर्थात मीनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तरों का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार से इस वंश का प्रमुख राजा मीनांडर देखते देखते बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो ये तो थे राजा से संबंधित दो तीन बातें जो हिंद यूनानी से जुड़े हुए चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यह भारत में उत्तर पश्चिमी भाग से प्रवेश करते हैं, डेमेट्रियस के माध्यम से पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान के क्षेत्र पर शासन स्थापित करते हैं। इनकी राजधानी साकल सियालकोट थी। इसका जो सबसे प्रतापी राजा हुआ वह मीनांडर हुआ और वह मीनांडर नागसेन के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है और इन दोनों की चर्चाएँ जो हैं वो मिलिंद पन्हों में बौद्ध ग्रंथ के रूप में स्थापित की गई। तो ये जब हिंद यूनानी आते हैं तो अपने साथ नई नई कलाकृति, नई नई चीज़ें भारत में लेकर के प्रवेश करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि भारत में कुछ प्रभाव पड़ते हैं इनके प्रवेश होने से और कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकल करके आते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए। तो याद रखना है कि सोने के सिक्के सबसे पहले जो है वो हिंद यूनानियों द्वारा जारी किए गए। अब यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है कि कभी कभी ये लिख देगा कि हिंद यूनानी बैक्टीरियाओं ने जो है वो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, तो ये भी सही है क्योंकि तीनों ही नाम इन्हीं के हैं। तो ग्रीकों ने हिंद यूनानी सिक्कों या फिर बैक्टीरियाई ने सबसे पहले सोने के सिक्के या हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के, तो तीनों सही होंगे। इसके अलावा हिंद यूनानियों ने सिक्कों के संबंध में एक नई व्यवस्था की शुरुआत की। वो नई व्यवस्था क्या थी, तो उन सिक्कों पर वे काल का निर्धारण करते थे, वे राजा के चित्र या राजा के नाम का निर्धारण करते थे, जिससे सिक्के को देख करके ये पहचाना जा सकता था कि यह सिक्का किस राजा के समय निर्धारित किया गया है या इसे टकसाल में बनाया गया है। तो हिंद यूनानी वो पहले शासक हुए जिनके सिक्कों के माध्यम से उसके काल और उसके राजा की जानकारी भली भांति मिल पाती है और यही परंपरा बाद में भारत में विकसित हुई और भारत में बाद में सिक्कों के आधार पर इतिहास आज लिख पाया जा सका है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि ये प्रथम शासक थे जिनके सिक्कों से काल एवं राजा के निश्चित जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। तो हिंद यूनानियों से जुड़े हुए आपने राजा के संबंध में पढ़ा, इसके अलावा उनके प्रभाव में सिक्कों से जुड़े हुए पॉइंट्स को पढ़ा कि सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानियों ने जारी किए, वैसे सिक्के जारी किए जिनको देख करके ये बताया जा सकता है कि ये किस राजा का है, ये किस काल का है। इसके अलावा हिंद यूनानी जब भारत में आए तो वे एक कला से परिपूर्ण थे जिस कला को कहा जाता था हेलिनिस्टिक आर्ट। हेलिनिस्टिक आर्ट उनकी अपनी कला थी। जब वो भारत में आए तो उनकी अपनी कला और भारतीय कला दोनों का मिलान हुआ और इस दोनों के कला के मिलने से भारत के उत्तर पश्चिम भाग पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में एक नवीन कला का विकास हुआ जिसका नाम दिया गया गंधार कला। अब इस गंधार कला का विकास पूछा जाता है कई एग्जाम में कि भारतीय कला और किस कला के मिलने से हुआ है, तो भारतीय और ग्रीक कला या भारतीय या हिंद यूनानियों के कला के मिलने के बाद गंधार कला संबंधी एक नवीन कला का विकास होता है जो कि किस कला संबंधी से जुड़ा हुआ है, तो हेलेनिस्टिक आर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से एक नवीन कला का विकास जो है वो हो जाता है।
इसके अलावा नाटकों में जो पर्दा गिराने और पर्दा उठाने की जो प्रथा है, जो आज भी हमारे यहाँ नाटक मंचों पर देखने को मिलती है, यह परंपरा भी सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही भारत में प्रचलित किया। तो इस प्रकार से कुछ कला संबंधी और कुछ व्यवहार संबंधी जो संबंध है वो हिंद यूनानियों के आने से भारत और हिंद यूनानियों के बीच स्थापित हुए। तो इस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं कि जितने भी पॉइंट्स आपने देखे ये बड़ी ही आसानी से आपने इसे याद कर लिया होगा। अब आते हैं शकों की ओर। तो जब हिंद यूनानी आए थे उसके बाद शक आए, ये याद रखना है, क्योंकि आपको ये क्रम भी याद रखना है कि कौन आता है पहले और कौन बाद में। तो यूनानियों के बाद शक आए। शक कैसे आए थे? तो शक जो थे वो मध्य एशिया की एक जनजाति थी जो भारत में चारागाह की खोज में बढ़ते बढ़ते भारत पहुंच गए। भारत पहुंचने के बाद ये कई कबीलों में बट गए और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के निवास करने लगे, जैसे उत्तर पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में और पश्चिम में। इस तरह से उन्होंने अपने कबीले डिसाइड कर लिए। सभी कबीले छोटे स्तर पर शासन स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन सभी पाँचों कबीलों में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था पश्चिमी वाला, क्योंकि इसी पश्चिमी वाले क्षेत्र के जो कबीला था या जो उनका क्षेत्र था वहाँ पर एक प्रतापी राजा होता है रुद्रदामन, और उसी से रिलेटेड पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि यूनानियों के बाद जो थे वो शक भारत में आए, ये मध्य एशिया से आए थे और मध्य एशिया से भारत में चारागाह की खोज में आए थे, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शकों की पांच शाखाएं थी और ये पांचों शाखाओं में जो सबसे प्रसिद्ध शाखा थी वो पश्चिमी शाखा थी, यानी वेस्ट में उन्होंने एक महत्वपूर्ण शाखा स्थापित की। और इस शाखा का जो सबसे प्रमुख शासक था वो था रुद्रदामन, जो कि 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया, और इस शासन के दौरान कई ऐसे कार्य किए जिनसे ऑब्जेक्टिव बना करके पूछ लिया जाता है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि रुद्रदामन का संबंध किस काल से या किस साम्राज्य से था। तो रुद्रदामन ने एक महत्वपूर्ण काम किया था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाना, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। ये सुदर्शन झील क्या है? तो मौर्यों के काल में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह गुजरात क्षेत्र में एक सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, और सुदर्शन झील के इस निर्माण के बाद सुदर्शन झील की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी जब रुद्रदामन का समय था। तो रुद्रदामन ने उसकी साफ सफाई करवा के उसको फिर से सिंचाई के लिए उपयुक्त बनाया, और इसी को कहा जाता है जीर्णोद्धार। तो यानी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो रुद्रदामन ने। अगर पूछा जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य काल में हुआ था। तो इस प्रकार से एक रुद्रदामन से जुड़ा हुआ पॉइंट ये आता है। दूसरा जो है कि रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, वो संस्कृत भाषा से काफ़ी प्रभावित था, और उसने एक अभिलेख का निर्माण करवाया जिस अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, और यह भारत का पहला संस्कृत अभिलेख बना। आपको पता होगा कि सबसे पहले अभिलेखों की शुरुआत अशोक के काल में हुई, लेकिन मैंने उसमें बताया था कि अशोक के काल में जो अभिलेख लिखे गए वो मूल रूप से ग्रीक, जो लिपि थे, खरोष्ठी लिपि थे, अरमाइक लिपि थी, ग्रीक लिपि थी, उसमें किया गया था, संस्कृत का प्रयोग नहीं किया गया था। तो संस्कृत में पहला अभिलेख जो है वह लिखा गया था किसके द्वारा? तो रुद्रदामन के द्वारा, और यह अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। इस जूनागढ़ अभिलेख को पहली बार संस्कृत में लिखा गया। इस अभिलेख से स्पेशली मौर्य अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि जो जूनागढ़ अभिलेख है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया, कहाँ निर्मित किया गया, और इससे किस वंश की जानकारी मिलती है। तो जूनागढ़ अभिलेख से मौर्य वंश की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है, और किस भाषा में लिखी गई है या किस लिपि में लिखी गई है, तो संस्कृत में जो है इसका निर्माण किया गया है। तो ये आप दो तीन पॉइंट है जिसे ध्यान में रखेंगे। तो ये रुद्रदामन तक के पॉइंट थे, इससे ज़्यादा आपको शकों से संबंधित प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब शक जब ये मध्य प्रदेश गुजरात के क्षेत्र में शासन कर रहे थे, उसी समय एक स्थानीय राजा ने शकों से लड़ाई की। उस लड़ाई में स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर दिया। उस स्थानीय राजा ने इस उपलक्ष्य में जब उसने उसे पराजित किया तो दो कार्य किए। पहला, उसने अपना नाम विक्रमादित्य रखा, और विक्रमादित्य एक उपाधि होती है जो अपने आप को
गौरवान्वित करने के उद्देश्य से उसने रखा, और दूसरा इसी उपलक्ष में उसने एक नया कैलेंडर चलाया जिसका नाम रखा विक्रम संवत। ये कई एग्जाम में आपको पूछे गए होंगे, तो आपको ये याद रखना है कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने 58 BC 58 ईसा पूर्व में शकों को पराजित किया, और उस उपलक्ष्य में उसने दो कार्य किए। पहला, उसने अपना नाम जो है विक्रमादित्य रखा, और दूसरा जो है उसने एक कैलेंडर जारी किया जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। तो जब यह 58 BC में जारी किया गया, इसका मतलब है कि 1 ईस्वी से यह 58 वर्ष पहले जारी किया गया। तो जब अगर आपसे अभी पूछा जाए कि विक्रम संवत में कौन सा वर्ष चल रहा होगा, तो आपका जो वर्ष चल रहा है उसमें 58 वर्ष अगर आप जोड़ देते हैं तो वह विक्रम संवत का वर्ष हो जाएगा, जो कि आपको नेपाली कैलेंडर में देखने को मिल जाएगा कि नेपाल में विक्रम संवत का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब भारत में आते हैं तो भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो ये 1 ईस्वी, और शक संवत जो है वो भारत का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो दो पॉइंट है इसे जरूर याद रखेंगे कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने 58 BC में शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और विक्रम संवत जो है वो 58 BC में चलाया। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि शकों से जुड़े हुए पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे कि यह कुछ जाति जनजातियां या जातियां थी जो मध्य एशिया से भारत में चारागाह की खोज में आई, भारत में आकर के कई कबीलों में बट गए, जिसमें पश्चिमी शाखा जो थी वो सबसे अस्थायी हो सकी, और इसका सबसे प्रमुख शासक जो निकला वो निकला रुद्रदामन, और रुद्रदामन ने एक संस्कृत में अभिलेख का निर्माण कराया, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, और शकों के शाखा के विस्तार के क्रम में ही शुरू में ही 58 BC में एक राजा स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत कैलेंडर चलवाया। तो बहुत आसान है इन पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। अब आते हैं पहलव की ओर। पहलव या पार्थियन, इन्हें पार्थियन भी कहा जाता है, तो कई बुक में आपको यहाँ पहलव की जगह पे पार्थियन लिखा हुआ मिलेगा, तो आप दोनों एक ही हैं। ये तीसरे नंबर पे भारत में आए, शकों के बाद जो भारत में आते हैं वो आते हैं पहलव। तो इनसे बहुत रेयर ऑब्जेक्टिव बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको दो पॉइंट है जो याद रखना है। ये भी भारत में उत्तर पश्चिम भाग से ही प्रवेश करते हैं भारत के, और इस भाग में जो तक्षशिला का क्षेत्र था जो चाणक्य के समय भी काफ़ी प्रचलित था, मौर्यों के समय काफ़ी प्रचलित था शिक्षा के केंद्र में, तो वहीं पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, और इनके जो सबसे प्रमुख शासक हुए थे वो गोंदो फर्निश हुए थे। तो ये याद रख लेना है कि इनका जो प्रमुख शासक था वो था गोंदो फर्निश, और इनकी राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। इस गोंदो फर्निश के समय सेंट थॉमस नामक एक पादरी थे जो ईसाई थे, उसने भारत में प्रवेश किया और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किया था। एक बार ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है, तो इसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि सेंट थॉमस जो पादरी थे वो किसके समय भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे, तो गोंदो फर्निश के समय, और ये सबसे पहले ईसाई प्रचारक के रूप में भारत में जाने जाते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इन चारों वंशों में है कुषाण वंश, जो सबसे बाद में भारत आए। ये भी मध्य एशिया से आए थे, लेकिन इनका संबंध जो है वो यूची और तोखड़ी जाति से है, जो कि पहले चीन के जाति थे। ये चीन के पश्चिमी भाग से निकल करके मध्य एशिया जाते हैं और फिर मध्य एशिया के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं, क्योंकि इधर से हिमालय पर्वत होने के कारण कोई भी चीनी जनजाति का भारत में प्रवेश संभव नहीं था। ऐसे में जब इन्हें इस हिमालय के क्षेत्र से इस तरफ से भारत में प्रवेश का रास्ता मिलता है, तो ये हिमालय को छोड़ करके पहले मध्य एशिया के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में प्रवेश करने के क्रम में ये भारत में आकर के कई कबीलों में बढ़ जाते हैं। इनके भी 5 कबीले हुए। इन 5ों कबीलों में जो सबसे प्रमुख कबीला था वह था कुषाण, यह कुषाण कहलाए, और कुषाणों के कुछ प्रमुख शासक हुए जिन्होंने सत्ता स्थापित की, अपने सिक्के चलाए, राजतंत्र का एक विस्तृत रूप लिया, और इसी कारण से इस वंश को जो है हम लोग प्रमुखता से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव और कई मेंस से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले याद कर लेंगे कि इस वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कन्फ्यूसस जो थे वो इसके संस्थापक थे, और इनसे बहुत कम प्रश्न आता है, सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे। दूसरा जो इनका प्रमुख शासक थे वो थे वीम कन्फ्यूसस। वीम कन्फ्यूसस से 2-3 बार प्रश्न पूछे गए हैं, PCS और उससे आगे के लेवल में भी प्रश्न पूछे गए हैं। वीम कन्फ्यूसस से 2 प्रश्न ये आता है कि सबसे पहले इस वंश में कुषाण में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वीम कन्फ्यूसस ने जारी किए थे। और दूसरा पूछा जाता है कि वीम कन्फ्यूसस भारत में आने के बाद शिव धर्म का उपासक बनता है, तो यह कौन से धर्म को मानता था, तो शैव धर्म अर्थात भगवान शिव को मानते थे। तो 2 प्रश्न जो है वो वीम कन्फ्यूसस से और संस्थापक कुजुल कन्फ्यूसस से 1 प्रश्न आपको याद रखना है। लेकिन इस वंश का जो सबसे प्रमुख या प्रतापी शासक हुआ वो हुआ कनिष्क। ये कई एग्जाम में पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख शासक कौन था, तो कनिष्क था। और कनिष्क से रिलेटेड कई तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न बनता है कि कनिष्क 78 ईस्वी में जो है राजा बनता है। राजा बनने के उपलक्ष्य में राजा बनते ही उसने एक कैलेंडर चलवाया जिसका नाम रखा शक संवत। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसे याद रखेंगे कि 78 ईस्वी में जब कनिष्क राजा बनता है तो राजा बनने के उपलक्ष्य में उसने एक कैलेंडर जारी किया था जिसका नाम था शक संवत, और इसे भारत का वर्तमान में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो हम लोगों ने आज ही 2 कैलेंडर देखे, एक उज्जैन के राजा ने जारी किया था जिसका नाम था विक्रम संवत, और कनिष्क ने जो जारी किया था उसका नाम था शक संवत। तो शक संवत कैलेंडर जो है वो कनिष्क द्वारा जारी किया गया था अपने राजा बनने के उपलक्ष्य में, और विक्रम संवत जारी किया गया था शकों को हराने के उपलक्ष्य में। तो दोनों के अंतर होंगे, इसे याद रखना। शक संवत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत को प्रयोग में लाया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है वो चैत माह से होती है, और ये चैत्र माह जो है वो 21 या 22 मार्च से प्रारंभ होता है, और फागुन यानी कि फागुन जो है इसका अंतिम महीना होता है, और पहला महीना जो होता है वो चैत होता है। तो UPSC में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह और अंतिम माह कौन होता है, और कितने तारीख से यह कैलेंडर स्टार्ट होता है, तो 21 या 22 मार्च से जो है वह शुरू होता है राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसे हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं, जो कि कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में अपने राजा बनने के उपलक्ष्य में चलाया गया था। तो अगर माने कि वर्तमान में राष्ट्रीय कैलेंडर का वर्ष क्या होगा, तो यहां ध्यान से देखिए कि 1 ईस्वी ये हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर से मानते हैं, और 78 ईस्वी जो कि हमारा है ये शक संवत से है। तो यानी 1 से 78 यानी ये 78 वर्ष बाद शुरू किया गया था। तो यानी शक संवत का अगर हम वर्ष निकालने चले तो इस 1 में से हमें 78 माइनस करने होंगे, अर्थात अभी 2020 में से हम 78 माइनस करेंगे, तब जाके हमें प्राप्त होगा शक संवत का ईयर। तो इस तरह से यह 78 वर्ष जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से पीछे चल रहा है, जबकि विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 58 वर्ष आगे चल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो शक संवत चलाया। इसके अलावा कनिष्क जो है प्रारंभ में ये भी पश्चिम भारत से आए थे, तो इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र में पुरुषपुर में अपनी राजधानी स्थापित की, जिसे पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर स्थापित की। जब धीरे धीरे भारत के अंदर के भागों में इनका विस्तार होने लगा तो इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की मथुरा में। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कनिष्क या कुषाणों द्वारा पहली राजधानी कहाँ विकसित की गई थी, तो पुरुषपुर पेशावर में, और मथुरा में कनिष्क के समय जा करके दूसरी राजधानी जो है वह स्थापित होती है। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा में स्थापित हुई थी। तो इस तरह से वो धीरे धीरे भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश कर गए। यहाँ से अब कई प्रश्न जो हैं वो कनिष्क या कुषाण वंश से पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न ये है कि चूंकि भारत के अगर मैप को आप देखें तो इस तरह से कनिष्क का जो साम्राज्य था वो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से लेकर के भारत के मध्य भाग तक विस्तृत हो चला था। तो यहाँ पे वो मथुरा में भी उनका शासन था और भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत, और इसी समय चीन से रेशम का व्यापार जो है वो मध्य एशिया के साथ चलता था। तो इस रेशम के व्यापार के मार्ग पर भी कनिष्क का शासन था, जिसके कारण इस मार्ग से होने वाले व्यापार में वे चुंगी
अर्थात टैक्स लगाते थे और बहुत सारा धन प्राप्त करते थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत के किस राजा या किस वंश ने रेशम मार्ग पर अधिकार किया था। तो कनिष्क के समय कुषाणों ने जो है वह रेशम मार्ग पर अधिकार किया था और चीन रेशम का उत्पादक था और रेशम यहाँ से बिकने जाता था मध्य एशिया और बीच में यहाँ पर बड़ी मात्रा में टैक्स जो है वो प्राप्त होता था भारत को। परिणाम ये निकला कि इतना ज़्यादा पैसा हुआ कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के वो कनिष्क द्वारा यानी कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो कनिष्क या कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे। यहां से तीन पॉइंट बनते हैं जिन्हें हमेशा याद रखिएगा। हिंद यूनानियों ने सबसे पहली बार सोने के सिक्के जारी किए, कनिष्क या कुषाण वंश ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए और सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए, क्योंकि गुप्त काल का जो समय था वो बहुत लंबा था। तो इस तरह से सोने के सिक्के से जुड़े हुए ये तीन पॉइंट जो है वो आप याद रख सकते हैं। तो कनिष्क द्वारा रेशम मार्ग पर अधिकार किया जाना ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे यहाँ पे याद रखेंगे कि कनिष्क के समय भारत का अधिकार रेशम मार्ग पर था और रेशम मार्ग से चीन से मध्य एशिया के साथ जो है वो व्यापार किया जाता था। आते हैं नेक्स्ट। कनिष्क ने भारत में आने के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म के महायान शाखा को उसने स्वीकार किया। हीनयान और महायान दो प्रकार की शाखाएं थी। महायान शाखा को उसने स्वीकार किया, न केवल स्वीकार किया बल्कि चौथी बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के समय ही आयोजित हुई थी। ये आपको पता होगा कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो कनिष्क के समय कराया गया था और उसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, आपने भली भांति बौद्ध धर्म का चैप्टर पढ़ा होगा तो याद होगा आपको कि कुंडलवन कश्मीर में जो है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया था। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने बताया सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के वो किसके द्वारा जारी किए गए, तो कनिष्क या कुषाणों के द्वारा जो है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भारतीय इतिहास में जारी किए गए हैं। इसके अलावा गांधार एवं मथुरा कला का विकास किसके काल में हुआ, तो कनिष्क के काल में हुआ। अब हुआ क्या कि गांधार जो कि पश्चिमी सीमा क्षेत्र पे था, तो यहाँ पे जो कला विकसित हुई उसमें यूनानियों की कला और भारतीय कला का मिश्रण था। तो दोनों प्रकार के कला का मिश्रण वाला जो कला था वो गांधार कला था, जिसमें हिंद यूनानी कला और भारतीय कला दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। और यह कला जो था वो स्पेशली बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, गंधार कला। और जो मथुरा के क्षेत्र में कला विकसित हुआ वो पूरी तरह से भारत के बीच में था, इसलिए इसमें भारतीय तत्वों की प्रधानता ज़्यादा थी और पूरी तरह से स्थानीय और भारतीय कला थी। तो मथुरा कला पूरी तरह से भारतीय कला और गंधार कला जो थी वह भारतीय एवं यूनानी कला का मिश्रण थी। और भारतीय और यूनानी कला के मिश्रण वाले कला को बौद्ध धर्म से रिलेट किया जाता है, जबकि पूर्णतः जो भारतीय कला थे वो जैन धर्म से संबंधित था मथुरा कला। तो इस प्रकार से यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गांधार एवं मथुरा कला से पूछे जा सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि दोनों ही कलाओं का विकास जो है वो स्पेशली कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। ठीक है, अब आते हैं कुछ व्यक्ति जो बौद्ध धर्म कनिष्क के दरबार में रहते थे और उनसे जुड़े हुए थे, उन्हें थोड़ा सा याद रखना है। जैसे अश्वघोष, अश्वघोष जो है वो बौद्ध से संबंधित थे और उन्होंने बुद्ध चरित की रचना की है जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बुद्ध चरित की रचना किसने की, तो अश्वघोष ने की है। चरक जो कि कनिष्क के ही समकालीन थे, इन्होंने चरक संहिता की रचना की और भारत में चिकित्सा के क्षेत्र के जनक माने जाते हैं और चरक संहिता की जो प्रश्न है ये पूछे जाते हैं। सुश्रुत ये भी कनिष्क से संबंधित थे और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की और भारत में शल्य चिकित्सा का जनक जो है इन्हें माना जाता है। शल्य चिकित्सा की शुरुआत करने वाले व्यक्ति के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है और उन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना जो है की थी। इसके अलावा नागार्जुन, नागार्जुन के बारे में आप जानते होंगे कि इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इन्होंने शून्यवाद यानी सापेक्षतावाद जो है उसके सिद्धांत की खोज की थी। तो यहाँ से भी एक प्रश्न जो है आपको मिल जाता है।
इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं आप कुषाण वंश के संबंध में कि इन्होंने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर इन्होंने कोई सिक्के जारी किए थे तो वो तांबे के सिक्के जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा मात्रा में जारी किए थे। तो इस तरह से आज के चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि मौर्यों के पतन के बाद भारत में कुछ विदेशी जातियों का प्रवेश होता है और इन जातियों द्वारा भारत में शासन स्थापित करने के क्रम में कई विशेषताएं देखने को मिलती हैं जिनसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, याद हो गया होगा और शुभकामनाएं कि आप इसे बेहतर रूप में एडजस्ट कर ले ताकि आपके एग्जाम में ये उपयोग में आ सके। तो अगले वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल के बाद बढ़ेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू।